Welcome to Robin's Grammar Classes once again. Today we are going to take another very important topic from English grammar that is conjunction and its types. So, what are conjunctions? Conjunctions are words that link other words, phrases, or clauses together. कंजंक्शन क्या होता है कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ता है या एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ जोड़ता है या एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज के साथ जोड़ता है इन ए सेंटेंस सो बेसिकली कन्जंक्शन क्या है जॉइनिंग वर्ड कन्जंक्शन नाम ही खुद बता रहा है कंजॉइंट करता है वर्ड्स को फ्रेजेस को और क्लॉजेस को टुगेदर फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो टू लंडन स्ट ट्राई फिश एंड चिप्स तो यहाँ पे क्या है फिश एक वर्ड है एंड चिप्स एक वर्ड है तो यहाँ पे एंड जो कंजंक्शन है ये वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ रहा है मोइंग ऑन माई सेल फोन इज इधर ऑन द टेबल और इन द ड्रॉर इन दिस केस ये क्या कर रहा है एक फ्रेज को ऑन द टेबल जोड़ रहा है दूसरे फ्रेज के साथ इन द ड्रॉर मोइंग ऑन रॉबिन वू सी हिज मैनेजर बट ही वॉज एट इन द ऑफिस तो इन थर्ड केस क्या हो रहा है एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ जोड़ रहा है कंजंक्शन बट और इन सेकंड केस क्या था कंजंक्शन और इन फर्स्ट केस कंजंक्शन क्या था एंड तो कंजंक्शन क्या होता है एक ऐसा वर्ड जो वर्ड को वर्ड के साथ जोड़े फ्रेज को फ्रेज के साथ जोड़े या क्लाज को क्लाज के साथ जोड़े अब क्लाज क्या होता है क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका अप, एक अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक प्रेडिकेट होता है अपना एक वर्ब होता है और एक कोई मीनिंग निकल के आता है उसको बोलते हैं क्लॉज और क्लॉज फर्दर बहुत सारी टाइप्स की हैं विच वी विल डिस्कस इन आवर फ्यूचर वीडियोज़ सो कंजंक्शन आपको समझ आ गया होगा कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ता है फ्रेज को फ्रेज़ के साथ जोड़ता है और क्लॉज को क्लॉज के साथ जोड़ता है तो मूविंग ऑन टाइप्स ऑफ कंजंक्शन अब जो टाइप्स ऑफ कंजंक्शन हैं वो मेनली थ्री टाइप्स हैं पहली है कोऑर्डीनेटिंग कंजंक्शन कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है इट लिंक्स इक्ल पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इंक्लूडिंग क्लाजेज एंड फ्रेजेज कोआर्डीने कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है ये इक्वल रैंक के जो सेंटेंस हैं उनको ज्वाइन करता है एक साथ या इक्वल रैंक के क्लाजेज या फ्रेज़ को ज्वाइन करता है एक साथ अब इक्वल रैंक क्या है आगे हमें पता लगेगा जब हम फर्दर एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो ए कॉमा इज़ यूज वैन टू वैन वैन टू क्लाजिज़ ऑफ इक्वल रैंक आर ज्वाइन टुगेदर एक कॉमा uh, वहाँ पे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब आप इक्वल रैंक के क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं तो तब वहाँ पे कॉमा यूज होता है uh, अब मूविंग ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ कंजंक्शन दैट इज़ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है इट हेल्प्स टू लिंक और कनेक्ट इस डिपेंडेंट क्लाज टू एन इंडिपेंडेंट क्लाज ये क्या करता है एक डिपेंडेंट क्लाज को इंडिपेंडेंट क्लाज के साथ लिंक कर देता है अब अब क्लाज मैंने आपको बता दिया क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक वर्ब होता है या प्रेडिकेट होता है तो और उसका कुछ सेंस बनता है अब क्लाज के फर्दर टाइप्स हैं जैसे डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब और दे कैन स्टैंड अलोन और उनका मतलब पूरा निकलता है दे कैन दे दे डोंट नीड एनी अदर क्लॉज आर वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंस तो इंडिपेंडेंट तभी उसे कहा है और डिपेंडेंट क्या है डिपेंडेंट क्लॉज वो ऐसा क्लॉज है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो डिपेंड है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे फॉर

सेंटेंस वो इंग अब हम पढ़ेंगे इन ग्रेट डिटेल की होता क्या है ये फर्स्ट हम तो डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द मोस्ट कॉमनली यूज कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर फॉर एंड नॉर बट और येट सो तो जो कोर्डिनेटिंग कंजंक्शन में अब दो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने पहले ही बता दिया एक ऐसी कंजंक्शन है जो एक 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 क्लास को दूसरी क्लाज के साथ जोड़ती है बाय यूजिंग वर्ड्स लाइक ये जो सामने ब्लू कलर में है फॉर एंड नॉर बट और येट सो इनको याद रखने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे आपको दिखेगा फैन बॉयज़ फैन बॉयज़ तो इसको मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं वो उनको याद करने के लिए ये एक फ़ार्मूला है एफ एफ स्टैंड्स फॉर फॉर ए स्टैंड फ़ॉर एंड एन स्टैंड्स फ़ॉर नॉर एंड सो ऑन ऐसे ही तो फॉर अब कहाँ लगता है अब कंजंक्शन है फॉर तो ये फॉर कहाँ पे लगेगी इट एक्सप्लेन इट एक्सप्लें रीज़न आर साइड्स पर्पज़ एंड कहाँ लगता है इट हेल्प्स टू एड वन क्लाज और फ्रेज टू एन अदर सिमर सिमिलर वन नॉर कहाँ लगता है इट इज़ यूज टू एड नेगेटिव आइडियाज टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेगेटिव आइडियाज़ ये फर्दर आपको एक्सप्लेन होंगे आगे सामने नेक्स्ट uh, थोड़ी देर में अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ बट कहाँ यूज होता है हेल्प्स टू शो ए कंट्रास्ट बट कहाँ यूज़ होता है जब हम कोई कंट्रास्ट दो कॉन्ट्रास्टिंग फेजेस को जोड़ रहे हो तब हम बट लगा दें ओ आर और, और कब लगता है जब हमारे पास ऑप्शन होंगे जैसे हेल्प्स टू एड ऑल्टरनेटिव टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव हैं दोनों पॉजिटिव हैं उनको जोड़ने के लिए ओ आर और, और, और लगता है फिर येट कहाँ लगता है प्रोवाइड्स ए कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया टू एन एग्जिस्टिंग लॉजिकल आइडिया आर ए पॉइंट वैसे ही फिर सो so कहाँ लगता है इट इज यूज टू इंडिकेट आर शो ए रिजल्ट आर ए कंसिक्वेंस ऑफ एफ इवेंट अब इसको अब अब इनकी एग्जाम्पल्स आप जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर समझ आएगा कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे फॉर एंड नॉर बट और येट कहाँ होता है जैसे मोइंग देखें फॉर कहाँ लगता है आप एग्जाम्पल्स के साथ फॉर कहाँ लगता है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया फॉर कहाँ लगता है वी लिसेंट ईगरली फॉर ही ब्रॉड न्यूज़ ऑफ़ आवर फैमिली जैसे मैंने कहा एफ फॉर कहाँ लगता है इट एक्सप्लेन रीज़न आर साइड्स पर्पज कोई पर्पज हो वी लिसेंट ईगरली वी लिस ईगरली फॉर ही ब्रॉड न्यूज़ ऑफ़ आवर फैमिली तो यहाँ कोई पर्पज था कोई वजह थी तो फॉर वहाँ लगता है एंड कहाँ लगता है शी डि शी डिट स्पीक टू एनी वन एंड नो बॉडी स्पोक टू हर तो एंड जैसे मैंने पहले कहा आपको एंड कहाँ लगता है इट हेल्प्स टू एड वन क्लॉज और फ्रेज टू एन अदर सिमिलर वन तो एंड कहाँ लगता है जो दो फ्रेजेज और दो क्लॉज को जोड़ने के लिए वो यूज होता है एंड और बोथ क्लॉजेज आर इंडिपेंडेंट नो बॉडी स्पोक टू हर इंडिपेंडेंट क्लॉज है वैसे ही शी शी डेंट स्पीक टू एनी वन ये भी अलग है तो इन इक्वल रैंक के सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड लगता है अब नॉर कहाँ लगता है अब मैंने नवार पहले बताया दो नेगेटिव क्लाजिज़ हैं और उनको जोड़ने के लिए नवार लगता है जैसे आई डोंट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू बी रूड नार आई डू डू आई एक्सपेक्ट टू बी डिसोबेड वैसे ही बट कहाँ लगता है जैसे मैंने बताया दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को जोड़ने के लिए जैसे दे रश्ड टू द हॉस्पिटल बट दे वर टू लेट फिर और, और कहाँ लगता है जहाँ ऑप्शन हो, हो और पॉजिटिव दोनों जैसे आई विल गो टू द शॉप आई विल गो टू शॉपिंग आर आई विल गो कैंपिंग तो दोनों पॉजिटिव आइडियाज हैं तो इन केस ऑफ एनओ आर नॉर नॉआर के केस में दोनों 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 नेगेटिव आइडियाज थे उन दोनों को जोड़ने के लिए नॉर लगा था और ओ आर के यहाँ ऑप्शन है येट किस लिए लगता है कैली वॉज ए कन्विक्टिड क्रिमिनल येट मैनी पीपल एडमायर्ड हिम येट कहाँ लगता है पीछे देखते हैं येट जो है इट प्रोवाइड्स ए कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया टू एन एग्जिस्टिंग लॉजिकल आइडिया तो येट कहाँ लगता है पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैली जो है कन्विक्टड क्रिमिनल है एक मतलब सज़ा उसको मिल चुकी बट येट पीपल एडमायर्ड हिम तब भी इसको लोग पसंद करते थे उसको तारीफ करते थे उसकी सो so, कहाँ लगता है आई वॉज़ फीलिंग हंगरी सो आई मेड माई सेल्फ ए सैंडविच सो सो अभी सो so, कहाँ लगता है सो so, लास्ट में देखें आप सो so, इट इज यूज टू इंडिकेट आवर शो ए रिजल्ट आर ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट तो आई वॉज फीलिंग हंग्री आई वॉज फीलिंग हंग्री मुझे भूख लगी हुई थी सो आई मेड माई सेल्फ ए सैंडविच मोइंग ऑन अब दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये कहाँ लगता है अब द द कॉमनली यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर बिकॉज वंस दिल वेन सिंस वेयर वाइल ऑल द दीज शो रिलेशन इन टाइम प्लेस एंड और कंडीशन जैसे मैंने पहले ही बोला सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं एक डिपेंडेंट क्लाज को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ते हैं जैसे दो पार्ट ऑफ सेंटेंस हैं तो वो एक डिपेंडेंट क्लास है और एक इंडिपेंडेंट क्लास है जैसे एग्जाम्पल है आई टू कैन अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग तो एक डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास जोड़ने के लिए तो बिकॉज मतलब वजह होनी चाहिए कुछ जैसे ऑल दो शी वॉज ऑल दावी एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ऑल दो शी वॉज डिसेबल्ड, शी वॉज इन्वॉल्व इन मैनी सर्विस कैंपेन्स ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड वाइल हीज वाइफ वॉज रिकवरिंग एट होम दाउ दे वर नॉट वेरी रिच दे वर दे मेड ईयरली डोनेशन फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी तो सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है एक डिपेंडेंट क्लॉथ को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़नी है और आम तौर पे जहाँ पे भी आपको दिखे बिकॉज ऑल द द ये सब क्या हैं ये सारे सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और इसको फर्दर इजी uh, समझने के लिए हम देखते हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जब कोई कंपैरिज़न हो रहा हो दो दो क्लाजिज़ में या दो फ्रेज़ में तो uh, तब हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए दैन रादर दैन वेदर एज मच एज वेयर एज अगर टाइम के लिए एज सुन एज अंटिल जैसे एज सुन एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन वॉज द ट्रेन हैड लेफ्ट तो यहाँ जुड़ रहा है एक डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास वैसे ही कंसेशन के लिए फिर रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हु who, रीजन के लिए बिकॉज सिंस आई डिडंट जैसे बिकॉज कैसे यूज़ करेंगे आई डिडंट कम टू स्कूल बिकॉज आई वाज इल वैसे ही कंडीशन के लिए इफ़ ऑनलीफ ऑनलेस प्लेस के लिए वेयर वेयर एवर रिलेटिव एब्जेक्टिव के लिए दैट और मैंने कहिए स्क्रीन शॉट मूवंग ऑन अब को रिलेटिव कंजंक्शन क्या होगा कोरिलेटिव कंजंक्शन जैसे मैंने पहले ही कहा यह पेयर्स में होता आता है जैसे एज मशन अर्लियर कोरिटिव कंजंक्शन एग्जिस्ट इन पेयर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स ऑफ को रिलेटिव कंजंक्शन क्या क्या हैं नीदर नॉर ईदर और नॉट ऑनली बट ऑल्सो तो ये आपने काफा काफ़ी पढ़ा होगा आप जब भी आप कुछ रीड करते हैं तो ये वर्ड्स आते रहते हैं जैसे नीदर नॉर इधर और आते रहते हैं जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं इधर ही और शी कुक्स डिनर सेकेंड एग्ज़ाम्पल आई हैव नीदर टी नॉर कॉफ़ी तो देख रहे हैं आप नीदर नॉर इधर और ही इज़ नॉट ऑनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी फ़नी तो दीज टाइप ऑफ कंजंक्शन आर यूज इन पेयर ऑलवेज ऑल द टाइम तभी इसका नाम पड़ा है को रिलेटिव कंजंक्शंस देखें वैसे ही कुछ एग्जाम्पल फिर से मैंने यहाँ पे दी गई हैं बोथ एंड ईदर और कहाँ लगता है आई विल ईट ईदर कैरेट आर पीज फॉर डिनर तो यहाँ पे भी ऑप्शन हैं नीदर नॉर दोनों नेगेटिव हैंटली लाइक्स नीदर मिल्क नॉर नॉर क्रीम केक ऐसे ही सो so ऑन तो ये थी कंजंक्शन तो कंजंक्शन क्या है कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस में वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ता है फ्रेज को फ्रेज के साथ जोड़ता है और कलाज को कलाज़ के साथ जोड़ता है पहला हमने पढ़ा को थर्ड अभी पढ़ा हमने को रिलेटिव कंजंक्शन फिर सबॉर्डीनेटिंग कन्जंक्शन था ऐसे ही सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा Please subscribe. Please subscribe. We need your support. Please subscribe.